वेलकम बैक। मैं हूँ आपका अपना राज भाई और आज आपके सामने लाया हूँ इंडिया की फर्स्ट रॉक्स जो कि मिलेगी आपको फुल्ली लेटेस्ट लोडेड इसलिए कह रहा हूँ कि लेटेस्ट लोडेड इसलिए। सबसे पहले देखिए ये जो किया गया, आपने नॉर्मल कार्बन डिप तो देखा होगा पर ये इसका फर्स्ट डिपिट जो कि आप देख सकते हैं कार्बन है जो इसके अंदर किया गया है। आपको मिलेगी इसकी नोज जो कि आप देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। फ्रंट देखिए और फिर आइए बैक में, इसके दो चीज़ करिए हैं इसके अंदर, बाकी सारा वर्क मिलेगा कार्बन। एक आपकी क्योंकि टेल के ये ज़रा सा पार्ट्स, दो चीज़ें आपको इसके मिलेगी और इसी से लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुआ फ्रंट से ही। कार्बन तो आपने मेरी वीडियोज़ देखी है बट ये अलग है, डिफरेंस है, यूनिक है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में इसमें की गई पूरी गाड़ी रैपिंग के अंदर जो कलर है ना वो किया गया ग्रे को छोड़कर। ग्रे इसके अंदर पहले था क्योंकि आपने देखा होगा वाइट टाइप जो ग्रे आता था वाला ग्रे था, आप ये है सैटिन ग्रे रैपिंग की गई है इसके अंदर जो कि आप देख सकते हैं पूरा कलर ही इसका हो गया यूनिक। तो एक यूनिक स्कूटर तैयार कर दिया गया है आप सभी के सामने। अगर किसी को कराना हो तो आपको आना है कहाँ, ओनली फॉर राजू भाई के पास, यहाँ आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये आपको देखने मिलेगा और इसके अंदर जो देखने मिलेगा इंडिकेटर, देखिए नीचे इसके लगाते हैं इंडिकेटर जो कि आपको मिलेंगे चाबी ऑन पे ब्लू और जब इंडिकेटर जलाएंगे तो आपके हो जाएंगे ऑरेंज। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको वाइजर जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा हमारी वीडियोज़ के अंदर आपको मिलता है ब्लैक कलर का। ये हो गया पूरा ट्रांसपेरेंट एरोक्स का ओरिजिनल जर्मन फिटिंग का। और भाई का यूट्यूब चैनल जरूर देख लेना क्योंकि इसकी ना ज़्यादातर वीडियो भाई के चैनल में मिलेंगी, मैं तो कभी कभी वीडियो बनाता हूँ भाई इस स्कूटर की, तो ये ध्यान दें आप। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका मोबाइल होल्डर जो कि सिमटेक का ओरिजिनल लगा दिया गया इसमें नॉन चार्जिंग वाला। और इसके बाद मिलेंगे आपको बार एंड मिरर जो कि आप देख सकते हैं सुपर बाइक वगैरह बहुत देखेंगे आपने, आप एरोक्स में भी देख लो इसके अंदर भी लगा देंगे बार एंड मिरर जो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक में देते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है आपकी BHDP का ओरिजिनल। और इसके बाद मिलेंगे आपको RCB के ओरिजिनल लीवर जो कि देख सकते हैं गोल्डन ग्रे की मैचिंग के साथ है, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए आपके। और साथ में स्लीप भी लगा रखी है RCB की जिससे कि आपके हाथों पे कलर वगैरह ना आए। तो ये इसके अंदर हो गया, दोनों तरफ मिल गया। इधर मिलेंगे आपको रिजोमा के हैंड ग्रिप जो कि देख सकते हो आप, हैंड ग्रिप रिजोमा के लगा देंगे दोनों तरफ, इधर भी सेम मिलता है आपको इस तरफ भी। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर टैंक पैड जो कि देख सकते हो, ये इसका टैंक पैड है और ये आपका टैंक का काउल भी है, ये टैंक कवर है काउल भी है जो कि इसके इंस्टॉल कर दिया गया है। साथ में टैंक पैड आपको देखने के साइड के अंदर जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। और उसके बाद मिलेंगे आपको देख सकते हैं ये फुट मैट जो गैरोक्स का है, ये भी आपको देखने मिल जाएगा। साथ में मिलती है आपको सीट जो कि आपको मैं हमेशा दिखाता हूँ कि एक क्रूज़र सीट है आपकी इसकी एरोक्स ओरिजिनल जेन्युइन फिटमेंट वाली, इजी टू इंस्टॉल, निकालिए और सीधा लगा लीजिए किसी भी एरोक्स के मॉडल पर। तो आप ये देख सकते हैं इसे लगाने के बाद कहीं भी आप इजी राइड कर सकते हो क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है। कार्बन देख सकते हैं बहुत सारा कार्बन वर्क इसके अंदर ऑलरेडी होता है जो कंपनी से आता है, थाईलैंड वगैरह की होती है वहीं से आता है। इसके बाद आप मिलेगा कार्बन कलर का, आप देख सकते हैं ये है इसका कार्बन कलर का आपका फिल्टर कवर जो कि इंस्टॉल कर दिया गया है। गाड़ी में काफ़ी कुछ कार्बन ज़्यादा है, कार्बन से प्यार भाई को ज़्यादा था तो इसलिए भाई ने कार्बन ज़्यादा कराया इसके अंदर, इधर हो गया। उसके बाद आपको इधर दिखाता हूँ, इधर ही मिलेगा कार्बन कलर का आपको, ये आपका है रेडिएटर कवर जो कि आपका ये भी मिलेगा कार्बन कलर का और ये होता पूरा प्लास्टिक का जो कि आपका जर्मन आता उसी के अकॉर्डिंग में चेंज हो जाता सिर्फ शिफ्टिंग, क्योंकि कब वो होता आपका नॉर्मल मैट ब्लैक और ये हो गया आपका कार्बन जो कि इसमें इंस्टॉल कर दे। और उसके बाद देखेंगे आपको एग्जॉस्ट लाइटर जो देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त लुकिंग के साथ टाइटेनियम वाले इसके अंदर लगे हुए हैं, साइलेंसर स्लाइडर टाइटेनियम और गोल्डन ये कलर का लगा दिया गया इसके अंदर। साथ में आपको देखने मिलेगा एग्जॉस्ट जो कि लगा देगा यशुमुरा का 470 का, 470 इसका मॉडल का नेम है E470 और ये इसके अंदर लगा दिया गया है। और ये है फुल सिस्टम, फुल सिस्टम देखोगे तो आपका बैंड पाइप भी इसके अंदर लगा हुआ है, साथ में आपका एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल किया गया है। और मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड, ये हो गई इसकी नॉर्मल साउंड जो कि इसके अंदर डीपी कलर लगा हुआ है और साउंड सुन लो नॉर्मल आपकी जैसी होती है आपके किसी भी स्कूटर बाइक की वही सेम है। और अब थ्रोटल दूंगा तो इसकी साउंड आएगी और डिपिकर निकाल दूंगा ना फिर लाउड होगी इसकी, पहले मैं ऐसे सुना देता हूँ डिपिकर नहीं हटाऊंगा इसका, इसमें टाइम लगता है। तो ये जो साउंड है ना इसकी, ये साउंड डिपिकर लगा रखा है इसके अंदर, दो दो डिपिकर लगे हुए हैं इसलिए इसकी साउंड पूरी की पूरी रोक दी गई। स्टार्ट करने के बाद भी अगर आप रोड पर निकलेंगे ना तो चलान वगैरह नहीं होने वाला है इसके अंदर। और अब एक बार ना भैया से मिलाता हूँ जिन भैया का स्कूटर है उन्होंने इस पर कितना एक्सपेंस किया है अब तक का, वैसे तो अपने चैनल पर डालेंगे बट मैं इस चैनल पर इनका कॉस्ट भैया से पूछना चाहूँगा कि क्या लगा चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि मेहनत से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और अगर जो बंदा खुद मुंह से बता दे इतना खर्च किया हुआ है तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा
केस स्कूटर पर कितना आपका खर्चा आने वाला है। तो हेलो भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कैसे हैं ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया भाई, मेरा नाम हर्ष है। आपने पहले भी वीडियो देखी होगी राजू भाई की शॉप पे ही, और जब भी मैं आता हूँ भाई करोल बाग में आते मैं यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद मैं हारता रहूँ जहाँ मर्जी जाऊँ, पर स्कूटर यार मेरी बाइक यहीं खड़ी रहती है, अपने आप काम चलता रहता है। काम आपके सामने भाई ने दिखाई दिया कितना कुछ हो रखा है। और मोटिवेशन की बात करी जाए कि टोटल मोटिवेशन मैं भी घर पे बैठ कर ज़ूम कर रहा था, मुझे लगा 30 या 40 लग गया होगा, जब मैंने कॉस्टिंग करी पूरे ओवरऑल वर्क की तो सारा लग गया 62,000। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 62,000 ऐसा नहीं कि मैंने मेरे से ही करवाया, क्योंकि भैया इन्होंने क्या है, इन्होंने एक एक R&D कर करके ना एक एक चीज़ कोई ऑनलाइन मंगाया है, कोई कहीं से काम, ऐसा नहीं मैंने, मेरा भी 50% में पार्ट है जो मैंने किया हुआ है इसके अंदर। बट भैया ज़्यादातर क्रिएटिविटी तुम्हें पता माइंड के अंदर आती रहती है, तो कुछ लोग ऑनलाइन निकलते ना सारे 60-70% करके, मतलब ये समझ लो हर एक जगह से मैंने मंगा रखी है, मैंने बैंगलोर से भी मंगा रखा है, मैंने इंटरनेशनली भी मंगा रखा है, मैंने हर एक जगह से 50% काम यहाँ से हुआ है। बाकी अगर मैं कोई सामान मंगाता भी हूँ बाहर से मंगाता हूँ तो फिटमेंट के लिए मैं भाई यहीं आता हूँ, इंस्टॉलेशन यहीं होता है, इंस्टॉलेशन सारी यहीं आती है, तो इंस्टॉलेशन के लिए कहीं मैं और जाता नहीं, अगर लगवाना होता तो सीधा राजू भाई SKD। और वन स्टॉप शॉप है आपकी, आपको पता है कोई काम में हम कोई किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, नहीं वायर कटिंग की, नहीं वो किसी भी चीज़ को इजी टू फिट इट कर देते हैं हम, चाहे वो कितना भी टिपिकल वर्क हो। बिल्कुल भैया, जुगाड़ नहीं करते भाई, अगर नहीं होगी ना वो चीज़ तो मना कर देंगे, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने देंगे, तो नुकसान से बचो भाई। इतना पैसा आप कमा रहे हो, मेहनत करो, हमारा मेहनत का पैसा लगा है, मैंने तभी R&D भैया इसलिए बोल रहा है, मैं जो लगवाना होता मैं सीधा लगवाता था कटिंग वटिंग करके, लेकिन कुछ नहीं है भाई, जेन्युइन प्रॉपर हो रखी, सारी फिटमेंट भी प्रॉपर है, सारी मोटिवेशन आपके सामने ही है। तो इसी तरह इस गाड़ी की और भी डिटेल में अगर वीडियो लेना चाहते हो भैया से, तो भैया का जो चैनल है, भैया अपना चैनल का नाम बता दो। द यूट्यूबर _ अभी देखना, उसके ऊपर मैं डालना ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और अभी जो मोटिवेशन कोस्ट आई है मैंने पूरा रिव्यू दिया है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या माइलेज है, कितनी कॉस्ट आई है, सब कुछ डाल रखा है, उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है मैंने, वो जल्दी डालने वाली वीडियो पे, तो जाके आप देखते हैं पहले ये डालते हैं, पहले हम डालते हैं। तो रियल ये है कि इतनी सारी वीडियोज हो रही है, एक्चुअली क्या है इनको तो एक शूट डालना है, एक ब्लॉग डालना है, बट हमें क्या होता है दिन में 10 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ 15 गाड़ी का ब्लॉग एक दिन में नहीं डाल सकता, उसका 15 दिन का टाइम होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबकी एक साथ डलेगी, एक ही आ जाए कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद 15 दिन बाद पता नहीं चलता कि स्टॉक हो जाता है डाटा। और वो तो शुक्र है कि मेरा फ़ोन जो है 1 TB जो मैंने अनफॉर्चुनेट ले लिया था गलती से, तो अब मेरे को फ़ोन की टेंशन नहीं है, 1 TB मेरा है, बट उसमें से क्या डिलीट करता रहता हूँ फिर भी 1 TB रोज़ भर जाता है, इनका तो भरना बनता है भाई डेली। देखो बाइक अभी भी खड़ी हुई है लाइन में लगी हुई है, देखो आपके सामने अभी हमें R15 का काफिला लाने वाला हूँ, एक दो एक पीछे खड़ी है, तीन काफिला मैं लाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यामा को स्पॉन्सर करना चाहिए, पूरा यामा का स्टॉक खड़ा हुआ है। तो वीडियो चलो चलो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करना राजू भाई SKD को, और भाई का चैनल कौन सा है द यूट्यूबर _ उसको भी, ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, जब तक जैसे हम जब देते हैं, गुड बाय।